हेलो गाइज नमस्ते कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में सुहानी शाम है और सुहानी क्लास होने वाली है हमारी आज की एस एन टी की ओके okay? तो एस एन टी गाइज आपको परेशान करता है सबको मुझे पता है इट्स अ डिफिकल्ट सेक्टर ओके इट टेक्स टाइम बट टाइम टू टाइम मैं आपको जो है सलाह देता रहता हूँ कि एस एन टी इस सब्जेक्ट को जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और इस प्रिपरेशन में वाइज आपका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है कि जो करंट अफेयर्स में जो है क्या क्या, क्या न्यूज़ जनरेट हो रही है रिलेड टू योर एस एन टी ठीक है उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा फिल्टर लगाने की जरूरत है क्योंकि सारी की सारी न्यूज़ जो जनरेट होती है सेंटी एन टी की सारी की सारी एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती ठीक है क्योंकि अगर रेज हम डेली बेसिस पर देखें तो बच्चों सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो नया कंटेंट जनरेट हो रहा है एक्चुअल में वो ना ही आपके पॉलिटी में हो रहा है वो ना ही आपके इकोनॉमिक्स में हो रहा है सबसे ज्यादा एस एन टी के अंदर हो रहा है डेली कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी कुछ नई ना कुछ ना कुछ नया हो रहा है कहीं ना कहीं दुनिया में ठीक है लेकिन उसमें भी हमको एक फिल्टर लगाने की जरूरत है और वही फ़िल्टर लगाकर मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ाता हूँ एस एन टी के जिससे आप में भी ये जो है काबिलियत डेवलप हो पाए कि आप खुद भी जो है करंट अफेयर्स में से फिल्टर लगा कर पढ़ पाओ कि एस एन टी में हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उस पर भी आप थोड़ा ब्रेन स्टॉमिंग किया करो ठीक है क्योंकि एक बाई इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एस एन टी को पढ़ना आपको करंट अफेयर्स से एंड यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन ओके लेटर ऑन आई कैन हेल्प यू टू अब समस्टेंड बट नॉट ऑलवेज

ठीक है सो so, बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं तो पहली बार यही जैसा हुआ है कि आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो प्लस से भी सस्ता हो गया आफ्टर दिस ऑफर यू कैन यूज़ माई कोड से एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन दिस ऑफर इस कोड से और भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं आपको पता ही है वो प्लस के बारे में और बात कर लेंगे उनके ऊपर ठीक है सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप एंट्री गाइडेंस लें मुझसे मैं बताऊंगा वो क्या करना है कैसे करना है बैच ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को जो है अच्छे से करिए हिंदी इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है ठीक है वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साइय सुखी इंस्टा राइडर आई आशीष सलोनी लेडी बेकर ठीक है सो दैट इज लेट स्टार्ट सो यहाँ पर कई बात हो रही है पहले एडवांस्डिकमिस्ट्री सेल्स chem के बारे में ठीक है नो वे नो एवरी डे वी हेयर अबाउट समथिंग अबाउट रिनुएबल एनर्जी रिन्य से जो है एनर्जी हमें लेनी है एनर्जी बनानी है ओके रिनुएबल एनर्जी का ज़्यादा कंपोनेंट ओके हमें यूज़ करना है ओवरऑल एनर्जी मिक्स जो है लेकिन रीनएबल एनर्जी से जुड़ी हुई बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पर्टिकुलरली सोलर पावर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आती है कि स्टोरेज जो है पावर का सोलर पैनल से बिजली बंद तो रही है बट आपको हाथों हाथ जैसे कंज्यूम करनी है मान लीजिए यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पर एक पंखा चल रहा है उससे तो हाथों हाथ आप उसे कंज्यूम करते हो तो बच्चों एनर्जी स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर समझता है अपने आप को सोलर एनर्जी में और इंडिया बाकायदा बन भी जाएगा हमने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस भी जो है यू नो लॉन्च किया है वी आर डूइंग ओके ग्रेट थिंग्स देयर बट एनर्जी स्टोरेज बचो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपको पता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए ओके यू नो चीज़ें इतनी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल नहीं है अवेलेबल है भी तो, तो महंगी है तो यहाँ पे बचो नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है एडवांस केमिस्ट्री सेल्स एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया रिपोर्ट ठीक है इसमें बात करती है नीति आयोग कि किस तरह से हमें अब जो है स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर भी काम करने की जरूरत है एक्चुअल में हम रिन्यूएबल एनर्जी को एक फीजेबल एक डुएबल जो है एक रिसोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज कर पाएं ठीक है एनर्जी को स्टोर करने की टेक्नोलॉजीज पे जो है हमें जोर देना चाहिए ठीक है शो ये प्रॉब्लम गई शुरू से रही है इलेक्ट्रिसिटी तो खैर इंसान ने बहुत पहले डिस्कवर कर ली थी पर आज तक हम उसको इतना ओके स्टोर करने का इतना एफिशियंट मैकेनिज्म नहीं है लेटेस्ट से लेटेस्ट आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए ठीक है बहुत ज्यादा यूज करने पर भी वो शाम तक जो है उसकी बैटरी जो है बोल जाती है ठीक है सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग ओके सो एनर्जी स्टोरेज में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है हमें ओके सो दैट इज दिंग ऑल राइट व्हाट्सएप पर कॉल आ रहा है वो भी फॉरन नंबर से ग्रेट ठीक है ओके okay. तो ये बता रही है बच्चों रिपोर्ट जो की जो है हमारी बैटरीज की डिमांड जो है बहुत बढ़ने वाली है सो वी हैव टू कीप कीप पेस विद दैट ओके तो भाई ये आपको मैं बताना चाहता हूं मुझे कई दो बार सवाल यूपीएससी ने लगातार पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो तो कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी जनरेट होती है तो हमेशा डायरेक्ट करंट जनरेट होता है ठीक है किसी भी सोर्स से बच्चों आप बिजली बनाइए चाहे कोयले से बिजली बनाइए चाहे आपकी गाड़ी में जो बिजली बन रही है जिससे आपकी गाड़ी के इक्विपमेंट्स काम करते हैं बैटरी चार्ज होती है गाड़ी की ठीक है चाहे आप सोलर से बिजली बनाइए ठीक है कहीं पर भी बिजली बनती है तो बच्चों हमेशा डायरेक्ट करंट आपको मिलता है ठीक है जब भी आप बिजली स्टोर करके रखते हो बैटरी के अंदर तो भी आपको डायरेक्ट करंट मिलता है ठीक है डायरेक्ट करंट मतलब गई प्योर फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है इसको हम हमारी सहूलियत के लिए एसी करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव करंट में तो दो बार यूपीएससी पूछ चुकी है लगातार बैक टू बैक कि डीसी और एसी का जो अंतर है ये ठीक है तो एसी पे बच्चों हम क्यों कन्वर्ट करते हैं आपको थोड़ा बता भी देता हूं मैं ठीक है तो कुछ गाइस बेसिक बातें आप ध्यान रखिए ये रूल्स ठीक है, है हमेशा कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गए कि किसी भी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो खुद चाहे आप जनरेटर को घुमा घुमा के जो है इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो हमेशा पावर जो है डीसी फॉर्मेट में जनरेट होता है डायरेक्ट करंट में ठीक है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अल्टरनेटिव करंट में क्योंकि बच्चों इसको ऐसा करने के कुछ फायदे हैं ठीक है ऐसा करने का सबसे बड़ा एक फायदा गईज ये है कि डीसी करंट को आप ज्यादा लंबी दूरी तक जो है सेंड नहीं कर सकते हो ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो आप उसको जैसे कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर अगर आपने डीसी करंट को आप बिजली को डायरेक्टली भेजोगे बिजली के तार से तो बहुत ज्यादा पावर जो है लॉस हो जाएगा एक छोटे सिस्टम में ही छोटे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही डीसी पावर जो है सक्सेसफुल है जैसे गाड़ी का सिस्टम है आपकी बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सर so, उसी में डीसी पावर जो है सक्सेसफुल है लॉन्ग टर्म में जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में वो सक्सेसफुल नहीं है ऐसे में ऑल्टरनेटिंग करंट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं पहले फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में हम उसको दूरों तक भेज सकते हैं पे पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं ठीक है दूसरी बात बच्चों हमारे घरों में जो बिजली आती है ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में आती है क्योंकि क्योंकि इसमें एक और इशू है कि बाय द वे मिस्टेकनली कभी कोई बिजली कॉन्टेक्ट में आ जाए ठीक है तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो है इट विल जस्ट हो गिव यू अ शॉक और फिर आप जो है रिपेल कर दिए जाओगे लेकिन डीसी करंट में अगर गलती से कि कोई उसको छू ले और वो भी जिस वोल्ट पे हमारे घर में आता है मतलब दो सौ वोल्ट का अगर डीसी करंट पे कोई छू ले तो उसका बचना व्यक्ति का बचना ही मुश्किल है नहीं नामुमकिन है तो एक डेंजरस ओके okay, एक डेंजर भी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट करंट से तो ये हम सारे एलिमिनेट करते हैं दैट्स यू यूज द ओके करंट इन द ए फॉर्मेट ठीक है लेकिन छोटे लेवल्स पे हमारे कार्स में जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है ठीक है तो उसमें हम डीसी पे ही चलने देते हैं क्योंकि 12 वोल्ट बचो ज्यादा नहीं है ठीक है लेकिन अगर वोल्ट हम बढ़ा दें तो डीसी जो है बहुत ही खतरनाक फॉर्म ऑफ करंट है ओके सो इट्स सेफ टू यूज द करंट सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड डी सी ठीक है नेक्स्ट इज ओके ओकेर आर सम बैटरीज तो जो बैटरीज का आजकल बहुत चल रहा है ईवीज आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं ओके बैटरीज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तो यहां पर कुछ बैटरीज के टाइप है जो मेरे हिसाब से आपको पता होने चाहिए इनमें से कुछ टाइप्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है आपके लेड एसिड बैटरी ठीक है लीथियम आयन सोडियम आयन फ्यूचर जो है उसमें ठीक है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ओके okay, तो जो लेड एसिड बैटरी सबसे फेमस बैटरी है ये आपको अभी चाहे तो आप अपनी गाड़ी का बोनट खोल के या अपने स्कूटर है बाइक है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके बैटरी होती है ओके लेड एसिड बैटरी ये बोचो वही बैटरी होती है जो बहुत ही भारी भरकम होती है और जो है ये सिर्फ दो चार लट्टू जो है आपकी गाड़ी में बल्ब की तरह जो है जल पाते हैं या कुछ बेसिक जो है एनर्जी आपकी गाड़ी इसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो बहुत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी करती है और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ज्यादा देर अगर लाइट जला ली लट्टू जला लिया खड़ी खड़ी तो बैटरी हो जाएगी डाउन फिर दखल आके स्टार्ट करना पड़ेगा तो वो जो एक तरह से इनफिशियंट है ये इनफिशियंट कैसे है ये ये जगह बचो बहुत गिरती है वजन इसका बहुत भारी है इससे अच्छा तो एक आदमी का वजन होता है गाड़ी में चाहे इसको रख लो चाहे एक आदमी को बैठा लो ठीक है उसके बराबर में जितनी हैवी होती जितनी बल्की होती उतना ये एनर्जी दे नहीं पाती है ठीक है तो एक इनफिशियंट मोड है ओके मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा करंट स्टोर करना है लेड एसिड बैटरी में तो बहुत ही बोड़ी और भारी बरकम बैटरी बनाई बनानी पड़ेगी ठीक है सो so, वो फीजबल नहीं है लेड एसिड सुनने से लग रहा है कि एनवायरमेंट और हेल्थ के लिए भी ख़राब है तो ये वो जो मेच्योर टेक्नोलॉजी हो चुकी है बहुत समय से ये हमारी गाड़ियों में हमारे घरों में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं उसमें यही तरह की बैटरी जो है स्टोर होती है ठीक है यही तरह की बैटरी यूज होती है सबसे दूसरी बैटरी जो आपके जेब में ही है शायद अभी आपके हाथ में ही होगी पकड़ गया फ़ोन देख रहे हैं उसमें है ना वो लिथियम आयन बैटरी

एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ठीक है इसमें लिथियम की कमी भी है फिर हर देश में लिथियम मिलता भी नहीं है वो भी एक इशू है एक्सपेंसिव है ये ठीक है इनको डिस्कार्ड करना इतना ईजी नहीं है तो जो नेक्स्ट स्टेज इज सोडियम आयन बैटरीज इस पर सवाल आपके पूछा जा सकता है ओके okay, क्योंकि एवरीबडी नो अबाउट द लेड एसिड एवरीबडी नो अबाउट द लिथियम आयन ठीक है तो ये सोडियम आयन बैटरी है बच्चों इस पर अब टेक्नोलॉजी चल रही है सोडियम जो है प्रचुर मात्रा में हर जगह लगभग हर देश में मिल जाता है और ये बैटरीज गाइस बता रहे हैं कि ये सस्ती भी बढ़ेंगी ठीक है अभी टे इसमें रिसर्च चल रही है डेवलपमेंट हो रहा है कई गाड़ी या मैनुफैक्चर करने वाले इस इन बैटरीज पर भी रिसर्च कर रहे हैं ई वाले ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले ये बैटरीज जो है ये सस्ती बढ़ेंगी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगी ये ज्यादा एनर्जी डेंसिटी स्टोर कर पाएंगी देन द लिथियम आयन बैटरीज ठीक है दैट इज द सोडियम आयन बैटरीज सो दिस इज द फ्यूचर आई थिंक तो लिथियम आयन की जगह जो है सोडियम आयन बैटरी हो सकता है फ्यूचर में आपके डिवाइसेस को और बड़ी बड़ी चीजों को भी मे बी दे विल पावर इट ओके सो आई होप यू गॉट इट यस एबीसी ट्राइंगल ठीक है नेक्स्ट गई चलते हैं डब्ल्यू एच ओ की बच्चों रिपोर्ट आई है इन इन्व, इनविजिबल नंबर्स ओके okay? ये बात खैर हो सकता है आपको वैसे भी पता होगी पहले से पता नहीं है तो पता आपको होनी चाहिए बींग ए एस्पेरेंट ऑफ द यूपीएससी ओके जब भी गई इस डिजीजेज का नाम आता है बीमारियों का नाम आता है तो हमारे दिमाग में जो है ऐसी खतरनाक बीमारी आती है जैसे कि एच आई वी ठीक है जैसे कि टी बी जैसे कि ओके okay, तो आपके और यू you नो know, जो बीमारियाँ जो है फैलती हैं कॉन्टीन्यूस होती हैं वो बीमारियाँ हमारे दिमाग में आती है ठीक है हम उनसे ज़्यादा डरते हैं ठीक है ऐसी बीमारी हमें किसी से लग ना चाहिए और डरना भी चाहिए कि ऐसी बीमारी हमें किसी से भी लग सकती है किसी मरीज़ या किसी डिज, डिजीज्ड पर्सन के पास हाथ चले गए तो उससे आपको बीमारी क्या हो सकती है वो कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ ठीक है, है diseases, लेकिन यहाँ पर यही आपको पता होनी चाहिए बात है कि दुनिया में बच्चों सबसे ज़्यादा जान जिसकी वजह से लोग जाती है ठीक है लगभग 66 परसेंट डेथ्स जो होती है दुनिया में ठीक है सत्तर परसेंट भी आप इसको कह सकते हो कोई गलत नहीं है सत्तर परसेंट बच्चों जो मोर्टेलिटी होती होती है दुनिया में हेल्थ इश्यूज को लेकर बीमारियों को लेकर वो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से होती है जिसमें कि नंबर वन आपका हेल्थ रिलेटेड डिजीज है और इसमें भी नंबर वन आपका जो किलर है दुनिया में वो आपका हार्ट अटैक का है ओके हार्ट अटैक से गई सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है ना ही डेंगू मलेरिया ना ही कोई इबोला ओके हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा जान जान जाती है लोगों की कार्डियो डिजीजेस रिलेटेड टू योर हार्ट ओके देन द सेकंड इज कैंसर देन आर द रेस्पिरेटरी डिजीजेस ठीक है तो आपको पता है कहीं जब कार्डियो वस्कुलर डिजीज हार्ट अटैक किसी को फैलता नहीं है छूने से या किसी के साथ रहने से कैंसर किसी को फैलता नहीं है बट सबसे बड़े किलर रहे हैं ये ठीक है तो ऐसा कहीं वैसे तो इट्स ओपन नोन नोन टू एवरी बडी बट डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट आई उसमें भी यही कहा है कि सिक्सटी सिक्स परसेंट डेथ इंडिया में जो हुई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह हुई ईवन गई डेवलप कंट्रीज में भी अधिकतर किलर जो है यही है ठीक है सोचो so, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं दे आर वेरी लीथल डिजीजेस ओके एक बार लग जाए तो आदमी को धीरे 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 जो है ये बिल्कुल कमजोर कर देते हैं और एक समय पर उसकी जान ले लेते हैं ठीक है सो वी शुड वरी अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो ठीक है तो इंडिया ने गईस क्या क्या किया है ओके okay. कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने के लिए या उन उनपे जो है लगाम लगाने के लिए सो वी हैव द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज ओके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्युनिबी स्ट्रेंथनिंग अंडर कॉम्प्रेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सो आयुष्मान भारत योजना में हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पर हम कम्युनिकेबल डिजीज से जो है लड़ सकते हैं ठीक है फसाई ने बच्चों जो आपके कई सारे ओके okay. प्रोग्राम जिसके भी चला रखे हैं बैन कर रखा है इसने एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह जंक फूड का पचास मीटर स्कूलों के वहाँ पे ईड राइट कैंपेन है ओके आज जितनी भी गई कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं पर्टिकुलरली हार्ट से रिलेटेड स्ट्रोक आ गया जैसे ब्लॉकेज हो गया ओके वो सारे खान पान से रिलेटेड चीजें हैं ठीक है तो ईड राइट मूवमेंट चला रखा है फसाई ने ठीक है मास मीडिया कैंपेन है हार्ट अटैक रिवाइंड तो हार्ट अटैक में आने की किसी को संभावना है तो उसको वो जो है कम भी कर सकता है अगर अपनी लाइफ में वो चेंजेस करे तो ठीक है जैसे कि एक्सरसाइज करे वो सोच समझ के खाए पिए कोलेस्ट्रॉल कम ले ठीक so, right okay. है सो ई राइट मूवमेंट इज देयर ओके उज्ज्वला योजना है बच्चों जिसमें कि सरकार जो है एलपीजी सिलेंडर दे रही है बीपीएल पॉपुलेशन को ये डायरेक्टली जो है इंडोर एयर पोल्यूशन ठीक है इंडोर एयर पोल्यूशन को ये कम करेगा और इससे जो है बच्चे और ओके okay, वलनरेबल लोग जो घर में रहते हैं वो सब सुरक्षित रहेंगे ठीक है डब्ल्यू एच ग्लोबल एक्शन प्लान है ओके okay, इंडिया ने जो है उसको यू नो अपने नेशनल टारगेट्स में जो है इंक्लूड किया है ठीक है सो so, योगा वगैरह को भी हम प्रमोट करते हैं फॉर अ हेल्दी लाइफ ओके सो दैट इज सम ऑफ द मेजर्स विच ओके आप अपनी तरफ से और भी कुछ जोड़ सकते हो कई सारी और स्कीम्स है सरकार की ऑल राइट सो दिस इज इट ठीक है सो लिथियम बैटरीज की बात हो रही है तो जो लिथियम सेल प्लांट जो है पहला भारत का बन गया है ठीक है कहाँ पर बनाया बेंगलोर आंध्र प्रदेश में ठीक है लीथियम सेल प्लांट है गाइज ये लीथियम बच्चों बैटरी प्लांट नहीं है अंतर है दोनों में ठीक है एक मिनट दीजिए मुझे आप All right, ठीक है रिफाइनिंग नहीं है बैटरी प्लांट है ठीक है तो जो आयन की जो की है, अब बैटरी प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट जो लिथियम आयन बैटरी प्लांट है मई दो हजार से गुजरात में बना हुआ है तो कई बैटरी अलग चीज होती है ठीक है लिथियम आयन बैटरी अगर मैं आपको बोलूं तो वो बैटरी बनती है कई सारे सेल्स को मिलाकर एक बैटरी बनती है तो बैटरी की प्लांट हमारे देश में था मौजूद तो सेल्स जो है बाहर से आते थे वो उसमें लगा दिए जाते थे बस फॉर वो लिथियम आयन की बैटरी बन गई इंडिया में लेकिन जो सेल्स थे वो बाहर से आते थे बच्चों अब सेल का भी प्लांट बन गया इंडिया में पहला तिरुपति आंध्र प्रदेश में ठीक है सो दो सो दस मेगावाट पर आवर जो है इसकी कैपेसिटी है ठीक है जो सिक्सटी अभी इंडिया की जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएगा ये मोबाइल फोन्स ओके हेडफोन्स वेरियबल आई वॉचेस वगैरह सब में यूज होता है आपको पता है ठीक है सो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर राइट नाउ इंपोर्टेड फ्रॉम द कंट्रीज लाइक चाइना साउथ कोरिया वियतनाम हांगकॉन्ग तो अब जो है हम शायद खुद बना पाए और लिथियम के कई अभी सोर्सेज भी मिल रहे हैं भारत में भी तो हम इसमें जो है सेल्फ आत्मनिर्भर बन सकते हैं ओके दैट इज द थिंग ओके बी मुक्त भारत तो बच्चा पुरानी वैसे पुराना कहीं वो पढ़ लेते हैं किस कॉन्टेक्स में था ये न्यूज में वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा बट मैंने आपको बता देते हैं इसमें इसमें, इसमें इसकी जो डेडलाइन है वो इंपॉर्टेंट है दो ठीक है तो हालांकि बच्चों वर्ल्ड ने डब्ल्यू एच ओ ने और जो यू नो आपके एस डी जीज हैं उसमें जो है टीबी को जो है खत्म करने का जो साल है वो 2030 तक जो है दुनिया ने बोला है कि टीबी को खत्म करना है लेकिन इंडिया ने कही जहां पर एक कदम आगे रहकर हमने टीबी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बनाई है टीबी मुक्त भारत जो है घोषणा करी हमने इसमें अब इंडिया जो है 2025 में यही बोल रहा है कि हम टी से फ्री कर देंगे भारत को टी मुक्त भारत हो जाएगा देर बी नॉट 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 इवन अ सिंगल केस ऑफ टी ओके तो अभी बच्चों सबसे ज़्यादा जो टी बी पेशेंट्स है फिलहाल इंडिया में ही हैं ठीक है अब एक साल में हम कैसे करेंगे दो साल में हम कैसे करेंगे वो देखना है बट फिलहाल ओके okay. सबसे ज़्यादा टी के पेशेंट्स इंडिया के अंदर ही हैं पच्चीस से ज़्यादा जो है टी के पेशेंट जो हैं वो इंडिया में ही है ओके okay.

प्रमाणित एक इलाज है फॉर द टीबी ठीक है डॉट टेक्निक पे जो है है आपके ठीक ईच एंड इज से बचो ज़्यादा टीबी पेशेंट दुनिया में भारत के अंदर ही है ठीक है एंड देन सेकेंड नंबर पे चाइना है हमारे साथ यहाँ पे ठीक है इनकोवैक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था ये ठीक है सो so, इनकोवैक बचो भारत की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन बनी मतलब इसमें जो है कोविड के लिए ठीक है जिसको अप्रूवल मिल गया सरकार द्वारा ठीक है इन इनको नाम ध्यान रहे भारत बायोटेक ओके भारत बायोटेक कंपनी ने गई जिस वैक्सीन को बनाया है ठीक है तो हालांकि तो कोरोना की गई कई सारी वैक्सीन है बनाई है कई सारी वैक्सीन है ठीक है लेकिन ये वैक्सीन गई यूनिक है क्योंकि इसमें कोई सिरिंज या कोई इंजेक्शन नहीं लगता आपको उसको स्प्रे कर रहे हैं नाक के अंदर और आपको जो है इम्यूनिटी आपकी जो है बन जाएगी कोरोना वायरस के खिलाफ ठीक है तो दुनिया की वो जो पहली वैक्सीन है कोविड नाइनटीन की जिसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है इंडिया ने किसी देश ने रिकॉम्बिनेंट रेप्लीकेशन डेफिशियंट एडीनो वायरस वैक्टर वैक्सीन है ये यानी कि एडीनो वायरस के जो है ओके okay, okay, एडिनो वायरस के जो अवशेष है उसको कैरी करती है उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी बढ़ाती है ओके okay. नेचुरली जो है एंटीबॉडीज डेवलप होती है आपकी बॉडी के अंदर विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन वाइल अदर वैक्सीन ओनली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ओके सो एडिशनल इम्यून रिस्पॉन्स भी देती है ये जो आपके म्यूकस लाइनिंग है ओके वगैरह वगैरह में इजीली डिलीवर कर सकते हो आप हाई कंप्लायंस है बिकॉट इज ईजी टू डिलीवर ठीक है ठीक है तो ज्यादा अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था मैंने आपको कल परसों आगे बढ़ते हैं ठीक है ठीक है वैक्सीन ये आप पढ़ सकते हो तो गई कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जो जो फीमेल्स के अंदर ये कैंसर जो है अधिकतर पाया जाता है तो इसके लिए ऑलरेडी वैसे तो वैक्सीन अवेलेबल है बट गई जब इंडिया ने जो है इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ठीक है उसने बचो इसके लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन बना दी है जिसका नाम सर्वा है तो फर्स्ट बच्चों इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है ये ठीक है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्विकल कैंसर तो सक्सेसफुल जो है इसको टैग मिल चुका है ठीक है सो ओके सो इट हैज ऑल्सो गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल है हमारा ओके बिल एंड मिलेंडा गेट फाउंडेशन जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है ठीक है तो सर्विकल कैंसर इज दैट अकर्स इन द सेल्स ऑफ द सर्विक्स ओके सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो जाता है ये so, तो इसके लिए गाइस जो है आप यू हैव नाउ सर्विकल कैंसर वैक्सीन व्हिच इज सर्वोवाक मेड इन इंडिया बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट इज गाइस मार्क्स मार्स ऑक्सीजन एंड सेतु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट okay, so, ओके yes. so, अभी लेटेस्ट मिशन है नासा का जो कि नासा ने भेजा है मार्स के ऊपर ठीक है परसिवरेंस गईज एक पूरा सेटअप था जो कि ना, नासा ने भेजा इसमें एक क्रेन थी जिससे कि रोवर को उतारा गया ठीक है जो कि गाड़ी की तरह है ठीक है वो घूम फिर रहा है मार्स के ऊपर और कई तरह के एक्सपेरिमेंट एक एक कर रहा है इसका नाम परसिविर रोवर है ठीक है परसिविर रोवर्स बच्चों चुनिंदा उन रोवर्स के अंदर है जिसमें नासा ने जो है इसको पावर देने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर ही फिट कर दिया छोटी सी गाड़ी के ऊपर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया उससे जो है परसिवरेंस रोवर को जो है पावर मिलता है पुराने जो मिशन जो हम बेचते हैं उन उनपे सोलर पैनल्स लगे हुए थे लेकिन आपको पता है मार्स पे जो है इतनी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो इतनी एनर्जी जो है नहीं जनरेट हो पाती है तो नासा ने जो है परसिवियरेंस रोवर पे ही इन्होंने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया ठीक है इससे पहले जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी भेजा था उस पर भी इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया था से बहुत बड़ी बात है अपने आप में ओके पर परसिवरेंस से पहले बच्चों अपॉर्चुनिटी रोवर पर काम हो चुका था ठीक है परसिवरेंस ने गई, गई ओके एक और अनोखा का काम किया जो पहली बार परसिवरेंस किसी रोवर ने किया है और मार्स के सरफेस पे किया ठीक है परसिवरेंस में नासा ने गई एक हेलीकॉप्टर भी लगा दिया छोटा सा ठीक है और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा भी दिया मार्स के ऊपर मार्स के ऊपर जहां पे एटमॉस्फेयर इतनी पतली है कि वहां पे हेलीकॉप्टर की जो ब्लेड्स है वो क्या किसके सारे जो है थ्रस्ट जनरेट करी क्योंकि पे एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है तो अपने आप में जो है ओके आई वाज सीइंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस थिंग ओके तो उसको बोचो हेलीकॉप्टर को ऊंचाई छोटा सा हेलीकॉप्टर है इतना सा लेकिन उसको उड़ाने के लिए जो है उसके जो ब्लेड्स को मतलब एटलीस्ट पच्चीस बीस हजार रेवोल्यूशन पर मिनट की जरूरत है ओके okay, इतनी तेज स्पीड से उसका जो ब्लेड घूमता है तब जाके वो मार्स की सतह पर जो है उड़ पाया ठीक है तो बहुत बड़ी बात है वो जो, ने पहली बार ओके okay, ऐसा हुआ कि किसी दूसरे सरफेस किसी दूसरे हमने जो है ड्रोन या हेलीकॉप्टर आप कह लीजिए छोटा सा उसको उड़ा दिया तो नासा ने अब सोच रही है नेक्स्ट मिशन में दे विल फोकस मोर ऑन सच काइंड ऑफ ओके बिकॉज दे आर फास्ट एंड क्विक उससे आप ज्यादा अच्छा स्टडी कर सकते हो खैर यहाँ पे जो है मॉक्सी की बात कर रहा था मैं आपसे ठीक है तो जो मॉक्सी ये छोटा सा डिवाइस है ठीक है मॉक्सी को भी लगा के भेजा गया ओके परसिवरेंस पे ठीक है और मॉक्सी को वो बचाया है बनाया है एम ने मैसेचूएट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया का नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज है और इस इंस्टीट्यूट में क्या होता है वो मुझे पता नहीं बट इंजीनियरिंग जरूर होती है इसमें कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मैंने देखा था कि इंडिया को तो नंबर वन में मैं जा नहीं पाया तो मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए देखा कि वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन सा है तो एम आई टी इज यू नो जैसे हमारे आई आई टी वाई आई टी है ये इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है तो यू कैन ट्राई है ठीक है अब आपने तो कर ली होगी और आपके किसी भाई भाई या छोटे बहन को करनी है सो एम आई टी इज द बेस्ट ऑप्शन दे है तो जो एम आई टी ने मॉक्सी को बनाया मॉक्सी को इन्होंने परसिविडेंस पे दे दिया पे लगा दिया नासा ने नासा ने इसको भेज दिया मार्स के ऊपर और वो जो नार के ऊपर मॉक्सी ने वही कर दिखाया जो अर्थ के ऊपर हमारे प्लांट्स कर रहे हैं या फिर ट्रीज कर रहे हैं ठीक है क्या करते हैं ट्रीज बहुत कुछ करते हैं बट एक इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन जो है जनरेट करते हैं तो मॉक्सी ने वो आर्टिफिशियली यही चीज़ कर दिखाई मार्स की जो सतह है उस पर ऑलमोस्ट नाइनटी जो है एटमोस्फेयर जो है मार्स का उसमें ऑलमोस्ट नाइनटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही है वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं अगर अर्थ की मैं बात करूं तो बच्चो अर्थ के एटमोसफेयर में पॉइंट जीरो टू या पॉइंट जीरो सीओ टू है और यह सीओ टू जो है हमारे पे भारी पड़ रहा है मार्स बच्चो सीओ टू की कमी नहीं है नाइनटी सिक्स परसेंट वहां पर एटमोसफेयर में सीओ टू से ही बना है ठीक है तो मॉक्सी ने कई ये कर दिखाया ये छोटे से डिवाइस ने इसने उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर कर उससे जो है ऑक्सीजन जनरेट करके बता दी और इस ऑक्सीजन को जनरेट करके वहाँ पे चेक भी कर लिया गया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है तो वाइज एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम फ्यूचर में जो है मार्स पे बसने का सोच रहे हैं मार्स पे कॉलोनियाँ बनाने का सोच रहे हैं हम तो वहाँ पर जो कॉलोनियाँ तो हम बना लेंगे खाने पीने का भी कोई जुगाड़ हो ही जाएगा लेकिन सांस लेने का जुगाड़ जो कि हर मिनट में आपको जो है कई बार लेनी पड़ती है उसके लिए जो है इस तरह के डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं तो मार्स का सी से जो है हम ओ अब निकाल सकते हैं ऑक्सीजन ओके इट्स अ वेरी लैंडमार्क थिंग एंड यूपीएससी ऐसी चीजों को छोड़ता नहीं है ठीक well, तो है बल्कि यही मार्च पे क्यों मतलब जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है वहां पे हम इससे जो है ओ बना सकते हैं ठीक है ओके अब गैस आपको इसके बारे में मैं कई बार आपने सुना ही होगा दैट इज द डार्ट मिशन ठीक है इसके बारे में ज़्यादा मेरे पास कुछ लिखित में नहीं है आपके पास फोटो है ठीक है डाट ठीक है चौक एस्ट्रॉइड आपको पता है बच्चों और गलती से वैसे तो हम सब तो इनके बारे में जानना चाहते हैं कोशिश करते रहते हैं जानने की ठीक है लेकिन गलती से अगर ये बच्चों अर्थ की तरफ आ जाए और अगर ये थोड़ा ज्यादा साइज में बड़ा है तो आपको पता है ये बहुत ही घातक हो सकता है सभी के लिए जो अर्थ पर रहते हैं डायनासोर्स का खात्मा जो है इसी तरह से हो गया एस्ट्रॉइड आके टकरा गया ठीक है तो कल पता चले कि एक एस्ट्रॉइड आ रहा है

ठीक है लेकिन नासा ने बच्चों इस पर जो है डाट मशीन अपना भेजा और इस पर जो है इंपैक्ट करवाया इसे टकरा गया ये और इसकी वजह से जो है इसकी जो है ये ट्रेजेक्ट्री जो है बदल गई मतलब ये वाइट रस्ते पे चलता लेकिन इसको अपने येल्लो रस्ते भेज दिया नासा ने ठीक है तो मान लीजिए बच्चों ऐसा कोई एस्ट्रॉयड हो रहा है और इसके रस्ते में अर्थ अगर बीच में यहां पे आ रही है तो नासा क्या करेगा नासा एक जो है ठीक है एक इसी तरह का जो है डाट यहां से छोड़ेगा और वो एस्ट्रॉयड जाके टकरा जाएगा एस्ट्रॉयड को बच्चों भले ही वो डिस्ट्रॉय ना कर पाए कंप्लीटली बट थोड़ा सा उसकी ट्रेजेक्ट्री को जो है रास्ता तो वो बदल ही देगा ठीक है रास्ता तो उसका बदल ही देगा और इस अर्थ को जो है सेव कर, 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 कर कराया जा सकता है ठीक है सो ये डाट मिशन है तो सक्सेसफुल ही गई बहुत समय से था बट फाइनली नासा ने इसको पोलाइड करवा ही दिया ठीक है एस्ट्रॉइड से और इसका रिजल्ट भी जो है चेक कर लिया नासा ने और ये जो है मिशन आपके सक्सेसफुल रहा ठीक है स डबल एस्ट्रॉयडन टेस्ट यस ठीक है तो जो एस्ट्रॉयड वैसे हमारे लिए खतरा नहीं है अगर वो हमसे दूर रहे हैं तो ठीक है बाकी हमारा बड़ा भाई है ही यहां पर जुपिटर ठीक है जुपिटर बच्चों क्या करता है जुपिटर का बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है कि मान लीजिए कोई एस्ट्रोइ गलती से अगर छूट गया इधर उधर भटक गया मतलब तो, ओके तो वो जुपिटर उसको अपनी तरफ खींच लेता है अर्थ पे नहीं आने देता उसको क्यों क्योंकि जुपिटर का बचो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है कि उसके आसपास कोई भी एस्ट्रॉइड अगर इस सिस्टम के पास आएगा तो वो जुपिटर पहले जाएगा जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा पावरफुल है तो जुपिटर बचो कई बार हमारी जो है ओके जान बचा चुका है अर्थ में ओके वी डोंट रियलाइज इट बट दैट इज द ट्रूथ तो बचो आज अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है ठीक है तो उसका रिले तो उसका आ, आज लाइफ पॉसिबल है आज लाइफ इस स्टेज तक इवॉल्व हो गई कि चिमपैनजी से जो है हम इंसान बन गए और इंसान जो जो हैवान, हैवान बन, बनने जा रहे हैं पूरी तरह से ठीक है तो जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज जुपिटर इज़ ऑलवेज बीन देयर एज अ बिग ब्रदर ओके जिसकी वजह से हमें इतना समय मिल पाया वरना कितने एस्ट्रॉयड हो सकता है अर्थ से अभी तक आके टकरा तक चुके होते अगर जुपिटर नहीं होता तो ठीक है बड़े एस्ट्रॉयड होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है वो ठीक है सो दैट इज द थिंग तो क्वेश्चन आ जाए कि जुपिटर का कुछ रोल है लाइफ पे तो बिल्कुल है बहुत बड़ा रोल है जिसकी वजह से अर्थ पे अभी भी लाइफ जो है पॉसिबल हो पा रही है ऑल राइट ठीक है ठीक है समझ गया आपको समझ में आ गया तो आज से बोलो जुपिटर की वैल्यू करो ठीक है जुपिटर की सबसे बड़ा प्लानिट भी है ऑल राइट ठीक है एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज आस्क ठीक है तो बोचो ये मेरे को कल ही पढ़ाया था शायद दोबारा रिपीट हो गया ये ठीक है तो आई विक्रांत था वो पता ही है बोचो दूसरा हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अब इंडियन नेवी की सर्विस में रहेगा ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक समय पे भारत की नेवी में सर्विस में दे सर्विस दे रहे हैं ठीक है सिर्फ दो चार देशों के पास ही एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ओके okay, इंडिया उनमें आ चुका है विक्रांत के बारे में बच्चों एक और अच्छी बात है हमने इंडिया में ही बनाया सबसे बड़ा शिप है अब तक जो इंडिया में बना है ठीक है पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया में बनाया है ओके okay, हमने ही ओके okay, एक दो तीन देशों के अलावा ये कैपेबिलिटी किसी में नहीं है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर पाएँ तो हमने इसको बना दिया है ठीक है तो इंडिजीनसली डिज़ाइन है इंडिजीनसली बिल्ट है ये लार्जेस्ट एवर वॉर टाइम शिप है ये ठीक है छी के अंदर इसको बनाया गया है ऑल राइट सो दिस हमारे सर्विस हैं विक्रम आदित्य जो हमने रशिया से खरीदा था और ये जो है आई विक्रांत ठीक है जो हमने खुद बनाया है ऑल राइट ओके उसी सर, उसी बात की अगर बात हो रही है इंडिया मेड इन इंडिया चीजों की बात चल रही है तो ते, तेजस का नाम भी जो है हमें नहीं भूलना चाहिए ठीक है तो तेजस बच्चों एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ठीक मतलब है लाइट मतलब हल्का है वजन में कई तरह के काम ये कर सकता है ठीक है मतलब मतलब काम मतलब अटैक करवाना है जासूसी करनी है ओके डॉग फाइट हो गई लैंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना है तो सभी काम कर सकता है तेजस और तेजस का नया मॉडल लॉन्च करने वाले हैं जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों का भी जब पुरानी हो जाती है नई टेक्नोलॉजी आती है तो नया मॉडल लॉन्च जाता है तो मार्क टू जो है अब तेजस का मार्क टू का जो है अप्रूवल सरकार ने दे दिया है अब तेजस मार्क टू बनेगा मतलब बच्चों अपग्रेडेड वर्जन होगा तेजस मार्क वन से ठीक है तो कैबिनेट कमेटी जो है ठीक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसने इसका अप्रूवल दे दिया है कि मार्क टू को बनाने की इजाजत जो है दे दी है ठीक है ये इंडिजिनस तेजस का जो है एक और केपेबल मोर केपेबल वर्जन है मतलब ज्यादा काम आप कर सकते हो उससे ज्यादा इससे जो है ऑब्जेक्ट्स आप जो है ज्यादा बेटर है ये ओके सिंगल इंजन है सिंगल इंजन है इसमें लाइट वेट रहेगा ये हाईली एजाइल है रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है बाय द एरोपमेंट एजेंसीआर डी ओ और हिंदुस्तान एयरॉटिकल्स लिमिटेड ने जो है इसको बनाया है ठीक है तो फोर पॉइंट वन जनरेट फाइव जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ठीक है और सेवेंटी परसेंट बच्चों इंडिजनाइजेशन है इसके अंदर मतलब जो तेजस जो मार्क वन हमने बनाया था उस पर ये था कि भाई हमने बोलने के लिए वो मेड इन इंडिया बट उसमें सामान तो सारा बाहर से लेकर मंगवाया हमने तो उस पर ये जो है कुछ लालचन लगे थे तो यहाँ पर वो जो अपने उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी गई कि सेवेंटी परसेंट जो इसमें जो भी पुरजे और जो भी इसमें उपकरण लगे हैं वो मेड इन इंडिया हैं ठीक है लेकिन फिर भी गई जिसमें जो मेन चीज़ है जो उसका इंजन होता है ठीक है किसी भी मेरे हिसाब से मूविंग ऑब्जेक्ट उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है उसका इंजन इसका जो इंजन है गई वो भी जो है हमने यूएसए की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक उसी से ले रहे हैं ठीक है तो अब इसको कितना मेड इन इंडिया in कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए वो आप लोग डिसाइड करें ठीक है लेकिन सरकार तो इसे मेड इन इंडिया ही कह रही है लेकिन बच्चों इसमें इंजन जो है वो तो बाहर का ही लगा हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक का फोर वन फोर इंजन लगा है इसमें ठीक है जो उसको अच्छी रेंज देता है अच्छी कैपेबिलिटी देता है सारी बातें सही है व्यापन ले जा सकता है ठीक है ज्यादा बट है ये विदेशी ठीक है जी मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए की उसका इट लगा ठीक so okay? है तो आईज कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस यहां पर न्यूज में आपके लिए तो याद कर लीजिए देख लीजिए आप ठीक है, so we have guys the exercise. तो exercise जो है, तो okay. जो में करी हमारी आर्मी ने ठीक है रशिया के अंदर करी करी, है मतलब, okay. ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ में जो है इंडियन नेवी ने जो है एक्सरसाइज करी है ये ओके एक्सरसाइज ओके तो चौदह कंट्रीज की बच्चों जो नेवी है उन्होंने पार्ट लिया इसमें इंडिया के साथ में ठीक है सो जिमेक्स एक्सरसाइज हम रेगुलरली करते हैं जापान और इंडिया की जो है मेरी टाइम एक्सरसाइज है ये ओके सो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज गई हमने करी इंडियन आर्मी की टू कैरी आउट दो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन ठीक है तो ये खुद ही डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जो हमने इंडिया की आर्मी ने इंडिया में ही करी है कोई तो दूसरे कंट्री का इसमें रोल नहीं है पर्वत प्रहार मतलब जहाँ पे हमने हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में ओके वेरी लाइकली कि चाइना के कॉन्टेक्ट में हमने एक्सरसाइज करी है हमारी आर्मी ने जिन्हें हाई अल्टीट्यूड पे जो है वॉरफेयर की प्रैक्टिस करी पर्वत प्रहार ठीक है सो दी आर सम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ 2022, थाउजेंड ट्वेंटी टू विच कैन बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन ठीक है तो इसी के साथ यही जब भी हमारी इस क्लास को हम खत्म करते हैं यहाँ पर ठीक है ठीक है।, है तो आप बच्चों अभी सब्सक्रिप्शन के साथ भी जुड़ सकते हो और अकेडमी के अगर आप ऑनलाइन पढ़ना आपको अच्छा लगता है समझ में आता है एवरी थिंग इज गोइंग गुड देन यू शुड अपग्रेड टू द सब्सक्रिप्शन फॉर योर कम्प्लीट प्रिपरेशन गाइडेंस मेंटरिंग प्रैक्टिस ओके सब कुछ कराया जाता है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में लेने के बाद तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है सारे फीचर्स आपको मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ सारे एजुकेटर्स फ्लेक्सिबिलिटी अनलिमिटेड एक्सेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक मिनट आपको जो है अन अकेडमी की तरफ से मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ओके okay. और बच्चों अभी आपको 50 परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आधी रेट पे मिल रहा है मतलब आपको ठीक है सो इट्स अ गुड टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू थिंक अबाउट इट यू हैव टाइम आल्सो यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स स्पेशल क्लासेस में आप अनुभव थोड़ा करी चुके हो होगी कैसे होता होगा पेड कोर्स ठीक है तो बहुत ही बोचो स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ पाओगे बैचेस के अंदर अपने सब्सक्रिप्शन लेने के बाद और आप जो है कोड यूज कीजिएगा सी डी ठीक है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो सी डी कोड आप यूज करें तो आपको डिस्काउंट ये मिल जाएगा इससे और आपको इससे जो है लाइफ टाइम एंटरिंग गाइडेंस जो कि और फायदे हैं मेरे कोड के वो आपको सारे के सारे मिलेंगे ठीक है यू विल बी गेटिंग द शॉर्ट टेलीफोनिंग गाइडेंस एंटरिंग डायरेक्टली बाई मी ओके वैल्यूडेशन मटीरियल बी गेटिंग बाई मी ओके अकेडमी तो आपको दे गई मेरी तरफ से भी आपको पूरी मदद मिलेगी डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा ठीक है तो हर चीज़ आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी ठीक है और सिड यू पी एस सी कोड जो है आप यूज़ करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें ओके okay. मैंट्रिक और गाइडेंस बोचो बहुत ज़रूरी है इसको जो है इंपॉर्टेंस अच्छी आपको देनी चाहिए ठीक है सब्सक्रिप्शन लेके लेकर बैचेज में पढ़ सकते हो सत्ताइस से बैतीस चालू हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश बायोलैंग्वेज जो भी आपका माध्यम में आपको एग्जाम देना है जिस भी लैंग्वेज में आपको बेटर तरह समझ में आता है उसमें आप पढ़ सकते हो क्लास के बाद आपको तुरंत नोट्स मिल जाते हैं उस क्लास के जैसे ही क्लास होती है क्लास एक रेगुलरली होती है ओके okay. कोई डिले नहीं होता क्लास में सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता है आपको ठीक है सो दैट इज थिंग सो यू नो ओके ऑफलाइन में भी आप पढ़ सकते हो ठीक है डेली में अगर आप हो या जा सकते हो बट जाने की वजह जरूरत नहीं है नेसेसरी कुछ मतलब नहीं है ठीक है दिल्ली जाकर भी लोग आ गए वापस यहीं पढ़ रहे हैं वो अपने अपने घरों में आकर ठीक है देख लिया उन्होंने वहाँ जाकर कुछ नहीं है पैसों का वेस्टेज है डिस्ट्रैक्शन है फिर भी लेकिन अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना ही हैं आपको वो इच्छा है कि नहीं भाई हम तो वहाँ पे टेबल कुर्सी पे जाकर जो है वहीं नोट्स बनाएंगे वहीं पढ़ेंगे तो आप डेली में जाकर जो है ऑफलाइन जो अकेडमी के क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर भी टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो ऑफलाइन सब का आप जो है फीस दोगे तो ऑनलाइन एक्सेस आपको मिल ही जाएगा दोनों चीज़ें हैं उसमें और ऑप्शनल भी अब आप पढ़ सकते हो मैथ्स जोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी ठीक है पाँच जून से क्लासेस इसमें चालू हो रही हैं राइट दैट इज़ इट ठीक है सो बाय बाय गाइज टेक केयर ओके थिंक अबाउट इट ओके एंड टेलीग्राम पे तो आप जुड़े गए होंगे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा ठीक है बाकी कल मिलते हैं दोबारा यस yes. ठीक है तो इसी के साथ अलविदा ध्यान रखिए बहुत बहुत सी यू ओके गुड बाय